नमस्कार, एग्री बेग्री में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्टेज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी। कई बार ऐसा होता है कि ठंड की ऋतु के वजह से जो टेम्परेचर डाउन हो जाने की वजह से प्लांट जो है वो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट सही से नहीं ले पाते। इसकी वजह से प्लांट का जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो भी इरप्टेड हो जाता है, कम हो जाता है। प्लांट का वेजिटेटिव ग्रोथ सही से हो और उसके लिए मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट का सही से अपटेक होना जरूरी है। स्प्रिंग एवर जो प्रोडक्ट है वो प्लांट को मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट अपटेक कराने में सही से हेल्प करेगा। प्लस उसमें ह्यूमिक एसिड, फुलविक एसिड, सीविड एक्सट्रैक्ट और साइटोकाइनिन भी रहेगा जो प्लांट का वेजिटेटिव ग्रोथ कराने में हेल्प करेगा। प्लस स्प्रिंग एवर में एमिनो एसिड भी रहेगा जो प्लांट को वेजिटेटिव ग्रोथ से फ्लावरिंग स्टेज में ले जाने के लिए हेल्प करेगा। और जो स्प्रिंग एवर प्रोडक्ट है वो एबायोटिक यानी कि एनवायरमेंटल एडवर्स कंडीशन है और बायोटिक यानी कि इंसेक्ट पेस्ट डिजीज का जो अटैक है उससे भी प्रोटेक्ट करेगा। स्प्रिंग एवर का डोज है 1 लीटर पानी में 2.5 ml यानी कि आप 15 लीटर का जो पंप होता है उसमें 35 से 40 ml यूज कर सकते हो। स्प्रिंग एवर की ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दी गई लिंक ऊपर क्लिक करें या तो फिर कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू। ऐसी ज्यादा से ज्यादा जानकारी के लिए हमारी एग्री बेकरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने किसान मित्रों को ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी उन तक पहुंच सके। नीचे दिए गए हुए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।